मेहता का उल्टा चश्मा। कुछ भी बोलो मेहता साहब, ये 3 दिन फिटनेस कैंप में आया मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, सब एक ही शरीर के कपड़ों में सुबह सुबह कंपाउंड में आ जाते थे, मस्त लग रहे थे सब। नहीं, बिल्कुल सही कहा जेठालाल। और वैसे एक बात, इन 3 दिनों में हम सारे के सारे लोग बिल्कुल चुस्त और फिट हो गए। वैसे एक बात है जेठालाल, कैंप का सबसे ज्यादा फायदा तुम्हें हुआ है। मुझे कैसे? अरे भाई, तुम्हारे कमर की अकड़ जो निकल गई। हाँ। और अब जिंदगी में कभी कमर नहीं अकड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वैसे एक फायदा और भी हुआ है। क्या? ये कमर की वजह से हड़बड़ाहट में अंजलि बाबी सबको जूस देना भूल गए। अरे जेठालाल, ये फायदा सिर्फ तुमको हुआ है। अच्छा, मतलब? बिल्कुल बिल्कुल जेठालाल। अरे भाई, वहां पे अगर जूस सर्व कर देती ना तो एक ग्लास में छुट्टी हो जाती। अब कल से वही जूस पी रहा हूँ, सबके लिए जो बनाया था। वेस्ट कैसे हो जाए? अरे मटके तक में जूस डाल दिया है। पानी पीने के लिए ग्लास डालता हूँ तो जूस निकलता है। ये तो बहुत अच्छा हो जेठालाल कि तुमने चाय नाश्ते के लिए बुला लिया, वरना आज भी। नहीं नहीं मेहता साहब, अभी मैं आपको और जूस नहीं पीने दूंगा। अरे भाई, हमने 3 दिन जम के कसरत की है तो अभी हमारा हक बनता है कि 30 दिन तक हम जम के नाश्ता करें। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है जेठालाल, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। वाह वाह वाह, कल से हम रोज नई नई जगह जाएंगे और मस्त मस्त नाश्ता करेंगे। तो जेठालाल, कल सबसे पहले कहाँ जाएंगे? कल भावनगरी गाठिया खाने जाएंगे। भावनगर जाएंगे हम लोग? अरे नहीं नहीं, यहाँ एक वो फरसान वाला है, मस्त भावनगरी गाठिया बनाता है, तो तलेला मिर्चा के साथ मजा आ जाएगा खाने का। परसों कहाँ जाएंगे जेठालाल? परसों इन्हें कहाँ लेके जाने वाले जेठा भाई? नहीं नहीं, मैं इनको कहीं नहीं लेके जा रहा हूँ। वो तो मेहता सबका कुछ दिखा, तम तम तक खाने का मन हुआ तो मुझे पूछ रहे थे कि कहाँ जाऊँ, तो मैं खाली एड्रेस बता रहा था। अच्छा, क्या अच्छा दिली? अरे यार जेठालाल, हद करते हो तुम यार। जेठालाल, मेरे गले में क्यों घंटी बांध रहे हो? मैं कब एड्रेस मांग रहा था तुमसे? तुम ही तो बता रहे थे। मुझे मत फंसाओ जेठालाल, मैंने कब कहा तुमसे? हाँ, टप्पू के पापा सोफिया बेन ने क्या कहा था? क्या कहा था? भूल गए? नहीं नहीं, याद है ना, कभी भी जबरदस्ती कसरत नहीं करनी चाहिए। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, कोई भी कसरत जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। करेक्ट, इसीलिए आप दोनों खाने पे कंट्रोल कीजिए और रोज सुबह उठ के योगा और कसरत कीजिए। लेकिन फिर से कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए सोफिया बेन ने जो किताब दी है ना, वो बराबर पढ़ के कसरत और योगा करना। हाँ बराबर बोल रही है दया, एकदम बराबर बोल रही है। पहले मुझे वो किताब पढ़नी चाहिए। मेहता साहब, ये किताब पढ़ने में अंदाजन कितने दिन लग जाएंगे? हाँ, किताब पढ़ने में जेठालाल, काफी मोटी किताब थी ना वो, मेरे ख्याल से 15-20 दिन तो लग ही जाएंगे। शाबाश, क्या कैच पकड़ा है। तो ठीक है, पहले एक काम करते हैं, पहले 15-20 दिन जमा के और किताब पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद योगा कसरत शुरू करते हैं। तो पहले 15-20 दिन हमको जो खाना है वो खा लेते हैं। हाँ हाँ, उसके बाद करेंगे योगा कसरत, क्या बोलते हैं? हाँ बिल्कुल, तब तक खाते पीते हैं, बाद में कसरत करेंगे। हाँ हाँ, दया भाभी, ये दोनों कभी नहीं सुधरेंगे। सही पहचाना। हाँ? चल चल दे, अभी चाय नाश्ता तो दे भाई। एक मिनट, मैं लाती हूँ। वैसे आपके लिए खुश खबर है। क्या क्या? आज का चाय नाश्ता अंजलि भाभी ने बनाया है। लीजिए चाय नाश्ता, शौक से खाइए। खाक शौक से खाए तो शौक लग गया अभी। अंजलि, ये तो दूध वाली चाय है। तारक, सिर्फ दूध वाली नहीं, इसमें चाय मसाला भी डाला है। क्या बात कर रही हो? एक मिनट। अरे हाँ जेठालाल, ये तो सचमुच चाय है। हाँ, और सिर्फ मसाला वाली चाय नहीं, मसालेदार पकौड़े भी बनाए हैं। अरे मुबारक हो मेहता साहब। वाह वाह वाह, क्या बात है अंजलि। अरे भाई वाह वाह वाह,
अरे अंजलि भाई, हम लोग सुधरे ना सुधरे, तुम जरूर सुधर गई। तारक, मैं एक ही दिन के लिए सुधरी हूँ, कल से आप ही को सुधरना है। अरे कल से ना, अरे सुधर जाएंगे, जब कल आएगा तब तक वो आज हो जाएगा, उसके बाद कल सुधर जाएंगे। कल किसने देखा है? कल कभी नहीं आता। हो गया सोसाइटी का काम। ना सन्नाटा क्यों है भाई? अरे देवा, सोसाइटी में भी कोई नहीं है। भीमरूपी महारुद्र वज्र हनुमान मारुति वनारी अंजनी सुत राम दूत प्रभंजना महाबली प्राणदाता। कौन हो तुम? कौन हो तुम? आत्माराम तुकाराम भिड़े। तुम भी? अरे आत्माराम तुकाराम भिड़े तो मैं हूँ, इस गोकुल सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। तुम कौन हो बताओ? मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ। मुझे पता चला कि आपकी गोकुल धाम सोसाइटी में एक वॉचमैन की जरूरत है, तो चला है आपकी रक्षा करने। नहीं नहीं नहीं, गलत पता चला है, यहाँ पे कोई वॉचमैन की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे पहरा से लग रहा है कि तुम पहले से ही कहीं वॉचमैन की ड्यूटी कर रहे हो। कहाँ ड्यूटी कर रहे हो? यहाँ पास में एक मॉल है। तो फिर यहाँ पे क्यों है ड्यूटी छोड़ के? रात को वहाँ आने से लोग डरते हैं, मैं भी डरता हूँ। बोलो, कुछ सिक्योरिटी होकर डर रहा है? इसलिए मैंने सोचा कि आपकी सोसाइटी में काम मांग लूँ। ऐसे कैसे नौकरी दे दूँ? पहले अपना टॉर्च नीचे करो, बंद करो भाई, बंद करो, बंद करो। और अपना चेहरा देखो। जिमी शेरगिल हमारी सोसाइटी में। I'm so sorry जिमी भाई, क्या बात है? सॉरी, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जिमी भाई शेरगिल चक्का गोकुलधाम सोसाइटी में आए। वाह, अरे निमका आता कोई नहीं इकड़े। जिमी भाई, अरे आप हमारी सोसाइटी में? जिमी भाई, आपकी मैंने लगभग सभी फिल्में देखी है। आपकी पहली फिल्म थी ना वो माचिस, वो भी मैंने देखी है। फिर वेनसडे, स्पेशल 26, मुन्ना भाई MBBS, ये सारी फिल्में देखी है मैंने। आपने काफी अलग अलग किरदार निभाया अपनी फिल्मों में, एकदम वर्सेटाइल एक्टर है आप। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई आत्माराम जी, थैंक यू सो मच बेटे जी। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत डर लगा, खुशी हुई। वो अभी आपकी फिल्म का प्रोमो भी चल रहा है ना टीवी पे, वो कौन सी मूवी आ रही है? डर एट द मॉल, बराबर ना? जी हाँ, मेरी फिल्म डर एट द मॉल 21 फरवरी को रिलीज हो रही है। अच्छा, और मैं चाहता हूँ कि आप गोकुलधाम सोसाइटी के सब लोगों को लेके
फिल्म देखने जाइए। ओ ये रही आपकी टिकटें। ओहो क्या बात है, थैंक यू वेरी मच। पूरी सोसाइटी आपकी फिल्म देखने जरूर आएगी, लेकिन टिकट्स की क्या जरूरत है जिमी भाई, वैसे भी हम गोकुलम वाले सारी फिल्में टिकट खरीद के देखते ही है। वैसे फिर भी थैंक यू वेरी मच फॉर द टिकट्स। आप एक काम कीजिए, आप यही रुकिए, मैं सबसे आपका परिचय कराता हूँ। आप कहीं जाइएगा नहीं, एक मिनट प्लीज प्लीज जाइएगा। अरे अय्यर, पोपटलाल, मेहता साहब, जेठालाल, सोढ़ी, आती भाई, अरे देखो कौन है हमसे मिलने, जिमी शेरगिल जी। जिमी भाई क्यों कुठे गेले? जिमी भाई, ओ जिमी जी तुम्ही कहाँ चले गए? जिमी भाई कमाल है, जिमी भाई आए थे कि नहीं आए? मेरे हाथ में टिकट है, डेफिनेटली आए थे। कमाल है, चले कैसे? बिजी स्टार है, चले गए होंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर फिल्म। कमाल बोलते हैं। नटो काका, इस महीने कितना धंधा हुआ, वो रिपोर्ट आप मुझे देने वाले थे, क्या हुआ? अच्छा, क्या खुशखबरी है? क्या बात कर रहे हैं नटो काका, 20% ज्यादा धंधा हुआ? हाँ, पिछले महीने 10% कम हुआ था, तो इस महीने भगवान ने सब सर पर कर दिया। वाह वाह नटू काका, वाकई में तो बहुत अच्छी खुशखबरी है। एक काम करो, आज आप बघा और मगन तीनों फालूदा मंगा के पी लो। नहीं नहीं भाई, मुझे नहीं पीना, मेरा पेट तो ये खबर सुन के ही भर गया है। बोल यार, हम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के जहांपनाह से बात कर सकते हैं? जरूर, लेकिन क्या जहांपनाह ये जान सकते हैं कि वो किससे बात कर रहे हैं? जरूर, हम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के जहांपनाह की मल्लिकाए तरुम बोल रहे हैं। ओहो मल्लिकाए तरुम, तलसीम तलसीम। और बताओ क्या चल रहा है? माफ कीजिए, लेकिन जहांपनाह अभी अपनी दरबारे दुकान के काम में बहुत ही मशगूल है। तो क्या मलिकाए तरुम ये जान सकते हैं कि जहांपनाह अपने महल में कब पधारने वाले हैं? जरूर, कुछ ही क्षणों में जहांपनाह अपनी दरबारे दुकान का काम समेट के पैर रथ पे चलते चलते आलीशान रिक्शा में बैठ के महल की तरफ निकलने ही वाले हैं। ठीक है, तो जहांपनाह को मालूम हो कि गर्मा गर्म कढ़ी, मक्की दाल की खिचड़ी, मसाला पूरी और केसर श्रीखंड उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। क्या बात कर रही है दया, तूने केसर श्रीखंड बनाया है आज? वाह वाह वाह, मजा आ गया। अरे सिर्फ सुनकर इतना मजा आ रहा है तो सोचिए खाकर कितना मजा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आइए आइए जल्दी आइए। हाँ अभी आया। जल्दी आया? हाँ जल्दी। अरे हाँ फोन रख। अरे जहांपनाह, लव यू। हम भी गंभीर, क्यों क्यों अचानक गंभीर क्यों हो गए? अरे गंभीर नहीं, मैंने बोला हम भी। ओ अच्छा समझे, आपके अंदर के जहांपनाह बोल रहे थे। पिक्चर अभी बाकी था मेरे दोस्त। दोस्त नहीं, मल्लिकाए तरुम बोलिए। क्यों, मल्लिकाए तरुम में दोस्त नहीं हो सकती? एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। नहीं, ये मैं नहीं, रानी बहन मुखर्जी कह के गए हैं। चल अब मेरी रानी, फोन रख और मुझे जल्दी घर आने दे। आइए जल्दी आ। अरे जल्दी जल्दी, अब भी फटाफट आता हूँ। केसर श्रीखंड, वाह वाह वाह, दया मेरे खाने पीने का कितना ख्याल रखती है, सच में साक्षात अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा। रिक्शा, अरे वाह मोगरे का गजरा, दया को मोगरे का गजरा बहुत पसंद है, आज गजरा लेकर जाता हूँ, खुश हो जाएगी।
दे, मोगरे का गजरा कैसे दिया भाई? 20 रुपए का साहब। ठीक है, एक दे दो। हाँ लीजिए। ये लो। नहीं साहब, 500 का चुट्टा नहीं है, 20 रुपए चुट्टे दीजिए ना। अच्छा बस ये लो। नहीं साहब, 100 का भी चुट्टा नहीं है, चुट्टा दीजिए प्लीज। ओहो, इंग्लिश बोलता है, वाह। नाइट स्कूल में पढ़ने भी जाता होगा है? हाँ। 5 का सिक्का है भाई, 15 ही है। हाँ चलेगा चलेगा साहब, 15 रुपए चलेगा, दीजिए। नहीं नहीं ऐसा नहीं, ये गलत है। एक काम करो, एक 5-6 फूल निकाल लो उसमें से। हाँ ऐसा थोड़ी होता है, पूरा गजरा टूट जाएगा। अब 15 रुपए में लेके जाओ साहब। नहीं नहीं एक मिनट, ये 15 रखो, देखता हूँ भाई और ढूंढता हूँ कुछ मिल जाए तो। अरे वाह मिल गया, और एक 5 का सिक्का मिल गया भाई, ये लो। वाह वाह वाह। अब पैक करके देता हूँ। हाँ हाँ हाँ। लीजिए। थैंक यू। थैंक, अरे थैंक यू भाई। नाइट स्कूल में पढ़ता हूँ। अच्छा। कहाँ रह गए तारक आप? क्या वो अनली भाभी, मैं तो सबकी राह देख रहे हैं। हाँ देखिए ना जेठा भाई, 1 घंटे पहले आपके परम मित्र ने फोन किया था कि ऑफिस से निकल चुका हूँ, अभी तक नहीं आए। अरे इसमें मेहता साहब का प्रॉब्लम नहीं है अंजलि भाभी, ये मुंबई शहर का प्रॉब्लम है। सब लोग बेचारे अपने अपने ऑफिस से टाइम पे निकलता जाते हैं, लेकिन ट्रेन में रास्ते में इतना ट्रैफिक होता है कि घर पहुंचते पहुंचते बेचारे लेट हो ही जाते हैं। हाँ पर जेठा भाई, कहीं से मोगरे की खुशबू आ रही है ना? अरे कहीं से क्या अंजलि भाभी, ये यहीं से आ रही है। जेठा भाई आप दया भाभी के लिए मोगरे का गजरा लाए? जी, वो दया को मोगरे का गजरा बहुत पसंद है, तो अभी दुकान से आते आते रास्ते में गजरे वाला दिख गया, तो मैंने सोचा आज दया को सुगंधी सरप्राइज देता हूँ। सो स्वीट ऑफ यू जेठा भाई, सो स्वीट ऑफ यू। मतलब आप कितने अच्छे हैं कि आप दया भाभी के लिए इतनी सुंदर सुंदर छोटी छोटी सरप्राइजेस लेके जाते और उन्हें खुश कर देते। अरे अंजलि भाभी, दया भी मुझे रोज नई नई वानगी बना के छोटी छोटी सरप्राइज देके खुश करती है, तो मुझे भी उसको खुश करना चाहिए ना। ऑफ कोर्स जेठा भाई, लेकिन तारक को ऐसा सरप्राइज देना कभी नहीं सूझता। आप अपने परम मित्र को थोड़ा ज्ञान दीजिए ना कि वो भी आपकी तरह मुझे ऐसे छोटी छोटी सरप्राइजेस देके खुश करे। अरे अंजलि भाभी माना, मेहता साहब आपको ऐसी सरप्राइज नहीं देते, लेकिन वो आपको जो सरप्राइज देते हैं, ऐसी सरप्राइज तो मैं भी दया को नहीं दे सकता। कौन सी कविता? रोज आपके लिए नई नई ताजा ताजा कविता बनाकर आपको सुनाते, वो सरप्राइज नहीं है जेठा भाई? वो सरप्राइज कहाँ, वो तो रूटीन है। सरप्राइज तो इसे कहते हैं जो आप दया भाभी के लिए इतने प्यार से लेके जा रहे हैं। अभी वो तो सबका अपना अपना नजरिया है अंजलि भाभी। चलो मैं निकलूं, दया राह देख रही होगी। हाँ हाँ श्योर, जाइए। थैंक यू। सारे पति को अपनी पत्नी की चिंता है, और एक ये है। ओहो, अभी फोन भी नहीं लग रहा। तारक कहाँ है आप? दोस्तों, दुनिया में हर रिश्ते की हर तह खुल सकती है, लेकिन पति पत्नी के रिश्ते में इतनी गहराई है, इतनी सतहें हैं कि खुलते खुलते सारी जिंदगी निकल जाती है। पति पत्नी का रिश्ता बड़ा कमाल का होता है, इसमें एक अलग किस्म की मिठास होती है। ये एक ही गाड़ी के दो पहिए, लेकिन इस गाड़ी को चलाने के लिए प्यार का ईंधन चाहिए। जिंदगी के अंदर पति पत्नी के इस रिश्ते को सींचने के लिए प्रेम का पानी चाहिए, और प्रेम जाहिर करने के लिए हम क्या करते हैं भाई, एक दूसरे को छोटी मोटी गिफ्ट देना, कभी कभी सरप्राइजेस देना इस प्रेम को बढ़ाता है। लेकिन आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम ये नजरअंदाज कर देते हैं, भूल जाते हैं कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए। लेकिन मेरे परम मित्र जेठालाल अपना पत्नी प्रेम भूले नहीं है, तभी तो दया भाभी को गजरा ला के सरप्राइज कर देंगे। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि उनका यह गजरा मेरी जिंदगी के अंदर कितनी मुसीबतें खड़ी करने वाला है, क्योंकि अंजलि अब ये एक्सपेक्ट कर रही है कि मैं उन्हें सरप्राइज गिफ्ट दूं। भाई ये तो अब गड़बड़ों की शुरुआत हुई है, अब देखना ये है कि क्या होगा मेरे साथ। जो कुछ भी होगा, होगा हंसी के साथ। देखते रहिए मेरे साथ।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.